रहे हैं, चुनाव में किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, चुनाव जो है एक तरीके से अब नाव वालों के हाथ में आ गया है। जब से नाव वाले जगे हैं कि हमको भी राजनीति करनी है, हमें भी सीट चाहिए, हमारा भी नेता चाहिए, हमारी भी पार्टी जानी चाहिए, हमारा भी वोट है, हमारा भी हिस्सा बनता है, तो ये अधिक है। और इनके साथ ये झउआ भर वोट पौआ पी के जो सुलाह सुलाह वोट लेते थे, अभी जग गया है तो पास पड़ोस वाले भी अब इनके साथ होके वोट डालते हैं। इसके उधर जिधर निषाद अब जाते हैं उसी की सरकार बनती है। पहले ये आलू के तरह थे जिसमें पड़ते थे उनकी सरकार बन जाती थी, अभी चालू हो गए हैं, अब पार्टी के साथ आ गए, पार्टी जिसके साथ रहती उसकी सरकार बने। इसलिए कहते हैं, गर्व से कह रहे हैं कि एनडीए की जो 400 पार एनडीए सरकार, मतलब आपके साथ आने के बाद जो निषाद समुदाय है वो स्मार्ट हो गया, कह रहे हैं। निश्चित रूप से कहते हैं कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर। इतिहास जो होती है उसकी राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बहुत आंदोलन उन्होंने किया, और इतिहास विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। तो इनका जो निषाद राज का किला विरासत मिला, इनके संघर्षों का परिणाम रहा कि जंगल से मंगल बनाया, मेला लगाते हर साल 13 तारीख को, इस बार चूंकि आचार संहिता गांव गांव मनाएंगे, हर विधानसभा पर जिले स्तर पर मनाएंगे, तो ये एक तरीके का किसी को उनकी एक आइकान है कि किसी को लगता है कि नहीं, इतिहास मेरा गौरवशाली रहा है, ये कौन लोग हैं जो इतिहास मिटाने वाले हैं, कौन मेरा भविष्य मिटाने वाले हैं। तो पता चला इनको लगा कि हमारे वोट से हम खुद ही मिट रहे हैं, जिसको चाहे उसे दे देते हैं। तो अभी वोट की कीमत, हम जो हमने प्रोग्राम बनाया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और दूसरा प्रोग्राम बनाया कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, ट्रीट द वोटर, वोटर को होश और जोश मिलाना है, और टीच द वोटर, वोटर को सही बात बताना, और उनको ये बताना कि आप इतना ज्ञान ले लो कि सही जगह वोट डालो, वो सही जगह वोट डाल रहा है, इसलिए अब इसकी पहचान बढ़ रही है। लेकिन पूर्वांचल में जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, सांप्रदायिक मोड़ दिया जाता है, उससे कैसे पार? ये चार पांच जिले ऐसे हैं कि जो लोगों को लंबे समय तक भी कांग्रेस की सरकार रही 70 साल, उसके बाद 30 साल से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार है, तो एक लंबे समय तक ये लोग जो है राजनीति के शिकार रहे हैं, और जो राजनीति का शिकार रहेगा वो कमजोर और निर्बल रहेगा, और निर्बल और कमजोरों को जिधर चाहे उधर मोड़ लीजिए। तो आज के दिन में अब ये राजनीतिक ज्ञान जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है, जो इनका एजुकेटेड एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन जो हम लोगों ने रखा है, तो उसके वजह से होशियार हो रहे हैं वोट के इकट्ठा। तो अब ध्रुवीकरण का उतना असर नहीं आ रहा, और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सीटों की संख्या बढ़ रही, इसीलिए आप देखेंगे 2022 में भाई हम बहुमत किधर जा रहे हैं। तो 2022 में आपने देखा, 2019 में सपा बसपा एक हो गई, लेकिन हम निषाद पार्टी एक साथ खड़े हुए। 2022 में आपने देखा होगा नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव देखा होगा नदियों किनारे। अब 2024 का भी ऐतिहासिक चुनाव होगा और उसमें जीत हम लोगों को मिलेगी। अच्छा, विपक्षी पार्टियां जो है वहां जा रही हैं, श्रद्धांजलि दे रही हैं, लगता है ये मुद्दा बनेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग जिनके खिलाफ न्यायालय अगर सजा सुना चुकी होती है, तो जनता जान चुकी होती है कि नहीं, अगर वो सही होते तो न्यायालय क्यों गलत, न्यायालय से फिर न्यायालय का सम्मान तो सब जनता करती है, तो इसके आधार पर उसका कुछ नहीं है। अब यह है कि कोई भी अपने राजनीति चमकाना चाहता है तो अपना जाए, उसको भी किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध है। अखिलेश यादव भी कल जा रहे हैं, तो वही बात है जो आप कह रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए। हमको भी, हम तो देखा कि आज के दिन में कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे नेता रहे हैं जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, महेंद्र सिंह राजपूत, धनंजय वर्मा, रघुवर दास वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरीबेन, जमुना निषाद, कुलन देवी, ये सारे नेता रहे हैं, और सारे नेता कैसे मारे गए और कैसे उनकी मृत्यु, कोई एलिगेशन उनके ऊपर कोर्ट का नहीं था, लेकिन केवल इतने उनका दोष था कि समाज को जगा रहे थे, और जगाने के आधार पर उनको अपना जान देना पड़ा, मतलब उनको अपने समाज के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कभी इन नेताओं ने उनके लिए संवेदना दिखाई? अगर नहीं दिखाई तो इसका मतलब माना जाता है ना कि एक विशेष वर्ग के वोट लेने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। तो आखिरी सवाल है कि आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि सपा बसपा ये सब जो पार्टियां हैं ये हमेशा जो है वो माफियाओं गुंडों को पनपने का मौका देती है, ये वही अगर ये तभी इसी से पता चलता है कि हम आरोप नहीं लगाते हैं। आप देखे होंगे कि यही एविडेंस के आधार पर कोर्ट निर्णय देती है, तो एविडेंस तो कोई बनाता नहीं है ना, एविडेंस तो प्रमाण तो
पड़ा रहता है ना, प्रमाण तो प्रमाणिक दस्तावेज तो प्रमाण तो ऑटोमेटिकली रहते हैं, उसको कोर्ट तक पहुंचाने का काम सरकार के सब जो जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कार्यपालिका उसकी करती है। अब समय पर जब हम कोर्ट को नहीं देंगे कागज तो फैसले कैसे सुनाएंगे? तो पिछली सरकारें संरक्षण देने के रूप में इनके जो है समय से वह मदद नहीं करती थी, और हमारी सरकार में समय पर कोर्ट को कागज दिए गए, इसलिए सजा दिलाने में कामयाब। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।